तुम्हारा जो हॉप लिंक है वो हमने डीएक्टिवेट कर दिया है, बिकॉज हमें प्रॉपर वेरिफिकेशन चाहिए तुम्हारी कि तुम कहाँ से हो, तुमने जो एड्रेस दिया है वो सही है कि नहीं, तुम स्पैम तो नहीं कर रहे। कि अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए हमको आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए। तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको यहाँ पर सबमिट ए रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर है मेन पेमेंट इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मेरा बैंक की डिटेल्स दिखा रहा है और सभी कुछ दिखा रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों आपका क्लिकबैंक का अकाउंट बार बार बैन हो रहा है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्लिकबैंक में पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये खासकर बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। जो लोग अपना क्लिकबैंक में अकाउंट बनाना चाहते हैं, उनका अकाउंट नहीं बन पा रहा है किसी रीज़न की वजह से, तो वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दे। तो गाइज, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने ये वीडियो डाली हुई थी कि आप क्लिकबैंक में कैसे अकाउंट बना सकते, बहुत से लोगों का तो अकाउंट बन चुका है इस मेथड के, बट जिन लोगों को दिक्कत आ रही है तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि वो क्या करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको करना क्या है जिससे कि आपका अकाउंट बन जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते। जैसे आप देखिए, ये मेरा अकाउंट था जो मैंने बनाया था, इस वीडियो में मैंने आपको बनाकर दिखाया था, ये मेरा अकाउंट था। तो इस अकाउंट को बनाने के 3 से 4 दिन बाद ही ये एक ऐसा एरर शो करने लग गया था कि तुम्हारा जो हॉप लिंक है वो हमने डीएक्टिवेट कर दिया है, बिकॉज हमें प्रॉपर वेरिफिकेशन चाहिए तुम्हारी कि तुम कहाँ से हो, तुमने जो एड्रेस दिया है वो सही है कि नहीं, तुम स्पैम तो नहीं कर रहे। तो इस वजह से वीडियो आने में थोड़ी देरी हो गई, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन लाऊं तो वो एकदम जेन्युइन हो, उसमें कोई भी डाउट वाला पार्ट ना हो, ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि देखिए, ये मेरा हॉप लिंक आ रहा है, तो ये 1 वीक पहले का है, उसने मेरा अकाउंट बैन कर दिया। वैसे तो मेरा अकाउंट वर्किंग कर रहा था, बट जो मेरा हॉप लिंक था, जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा था तो वो प्रोडक्ट इनेबल नहीं हो रहा था, वहां पर एरर मैसेज आ रहा था। तो मैंने देखा तो मुझे ये मैसेज शो हो रहा था। देन मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इस ईमेल आईडी पर मेल की इनको, और 1-2 दिन में उनका रिप्लाई आ गया। तो मैं आपको रिप्लाई दिखाता हूँ, ये रहा और ये रहा अब्यूज। तो ये देखिए, ये मैंने मेल की थी उनको कि सर, आई हैव रिसेंटली क्रिएटेड अकाउंट ऑन क्लिकबैंक, बट माई हॉप लिंक इज़ नॉट वर्किंग, इट शोज मैसेज, दिस साइट इज़ नो लॉन्गर इन सर्विस और हैज़ बीन डिसेबल्ड ड्यू टू टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेशन, एंड वैन आई गो बैक टू क्लिकबैंक अकाउंट, इट शोज यूर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, बट आई एम नॉट वायलेटिंग एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पॉलिसीज, आई हैव अटैच्ड ए स्नैपशॉट ऑफ व्हाट मैसेज आई रिसीव, प्लीज हैव ए लुक एट इट एंड डीएक्टिवेट माई अकाउंट, वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई एंड थैंक यू सर। तो यहाँ पर मैंने इस ईमेल एड्रेस पर मेल की थी इस स्नैपशॉट के साथ कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, बट जबकि मैंने कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी वायलेट नहीं की, मैंने जनरली अपना अकाउंट बनाया है, फिर भी मुझे ये दिक्कत आ रही है। देन 2 से 3 दिन में उनका रिप्लाई आया था, ये देखिए, ये उनका रिप्लाई, हेलो वी अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस बट योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड अंटिल वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा था कि अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए हमको आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए और एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, जिसमें आपका प्रॉपर एड्रेस दिया हो और आप किस कंट्री के हो वो भी लिखा हो। तो यहाँ पर देखिए, ये उन्होंने लिंक दिया हुआ था, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ऐसा इंटरफेस मेरे सामने आ गया था। देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉब्लम लिखी और यहाँ पर मैंने अटैच्ड फाइल में अपने जो मेरे वैलिड डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया जिस पर मेरा प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ था, यहाँ से ऐड करके एक मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ऐड किया और एक मैंने पासपोर्ट साइज अपनी फोटो ऐड करके यहाँ पर सबमिट कर दी। तो इसके 3-4 दिन बाद ही उनका रिप्लाई आया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड सेंड किया था, बट उन्होंने उसे वेरीफाई नहीं किया, उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, बिकॉज उसमें प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया होता, उसमें नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो ये जहाँ तो आपका पासपोर्ट मांगेंगे या आपका ड्राइविंग लाइसेंस। जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो मे बी वोटर आईडी कार्ड से भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैंने आधार कार्ड से ट्राई किया था, मेरा आधार कार्ड से नहीं हुआ था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस से रीएक्टिवेट हुआ था अकाउंट, आधार कार्ड से नहीं हुआ था। तो ये भी मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। देन जब मैंने ये सभी सेंड किया, देन उनका एक मेल आया था कल या परसों, मैं आपको
दिखाता हूँ, ये रहा यूर अकाउंट है दे देखिए, ये उनका मेल आया था उनकी तरफ से, क्लिक बैंक की तरफ से आया है। उसने थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग यूर आई डी, वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट दैट यूर अकाउंट हैज़ बीन रीएक्टिवेटेड। तो देखिए जो मेरे अकाउंट पर पहले ये मैसेज आ रहा था कि आपका होप लिंक ब्लॉक कर दिया गया है ड्यू टू आपकी वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस रिप्लाई में उन्होंने बताया कि आपका अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट कर दिया है, आपने जो आईडी प्रोवाइड की थी उसमें जो एड्रेस था और आपने जो एड्रेस दिया था वो सेम था, तो इस वजह से आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया। तो मैं आपको अकाउंट दूँ, ये मेरा अकाउंट है, ये देखिए कोई अब इशू ही नहीं आ रहा है। ये देखिए मैं आपको जैसे फिर से दिखाता हूँ, ये है, इसको मैं दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ आपको होपलिंक को। तो ये देखिए ये फुल फ्लैज अकाउंट मेरा अब परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, पहले आई थी बट उनको मेल करने से सब कुछ ठीक हो गया। तो जिन लोगों को तो ये होपलिंक की दिक्कत आ रही है कि उनका होपलिंक यहाँ पर अब्यूज़ शो कर रहा है, तो वो यहाँ पर मैसेज करके अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, उनका इशू तो सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज मेरा हुआ है, इसी वजह से मुझे वीडियो लाने में थोड़ी देरी हुई, बिकॉज मैं चाहता था कि पहले इशू सॉल्व हो जाए देन आप लोगों तक ये वीडियो लाऊं, यही मेरा मोटिव था वीडियो लेट लाने का। तो अब तो वो लोग हैं जिनका ये इशू है, अब वो भी लोग हैं जिनका इस मेथड को ट्राई करके भी अकाउंट नहीं बन रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनका अकाउंट फिर भी डिसेबल दिखा रहा है। तो उन लोगों के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और यहाँ पर देखिए एक नॉलेज बेस्ड होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको सिंपली सबमिट ए रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है जिसमें आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। देन आपको सब्जेक्ट देना है कि मेरा क्लिकबैंक का अकाउंट बार बार ब्लॉक हो जाता है जब भी मैं साइन अप करता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत बताना है कि कैसे होता है और क्यों होता है। देन क्वेश्चन में आपको टाइप कर लेना है कि माई क्लिकबैंक अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, और निकनेम तो आपका मे भी होगा नहीं तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, और अटैच्ड फाइल में आपको यहाँ पर जो आपका ब्लॉक मैसेज शो कर रहा है उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ पर अटैच करके सबमिट कर देना है। तो इसका जो भी अल्टरनेटिव होगा या जो भी रीज़न होगा वो आपको मेल के थ्रू बता देंगे, तो जो भी वो लोग बताएंगे आप उस स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करना, मे बी आपका अकाउंट बन जाए। अगर आपका अकाउंट फिर भी नहीं बनता तो आप क्लिक बैंक को छोड़िए, और भी इसके बहुत से अल्टरनेटिव्स है, जैसे वॉरियर प्लस हो गया, जेवीजू हो गया, डिजिस्टोर 24 हो गया, वहाँ पर अकाउंट बनाइए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वहाँ पर आपका अकाउंट इजीली बन जाएगा। तो अगर आपको उन प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो चाहिए कि कैसे आप वहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आप वहाँ से प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, तो इस उसके लिए आपको मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें वॉरियर प्लस या जेवीजू पर भी वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमको क्लिक जिन लोगों का क्लिकबैंक का अकाउंट बन चुका है तो उनको पेमेंट कैसे ऐड करनी है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है अकाउंट सेटिंग में। तो देखिए यहाँ पर आपके सारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे मेरा एड्रेस वगैरह आ रहा है, मेरी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, और यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस आ रहा है। देन नीचे देखिए, तो देखिए यहाँ पर है मेन पेमेंट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट थ्रेशोल्ड है $100 और यहाँ पर चेक है। आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एडिट की ऑप्शन है, ये देखिए साइड में एडिट की ऑप्शन, आपको एडिट पर क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप चाहे थ्रेशोल्ड रख सकते हैं कि कितने डॉलर तक आपको पेमेंट चाहिए। आप $10 मत रखना, बिकॉज इसमें से $5 तो $5 या $6 तो कट जाएंगे जब आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र होगी, तो क्लिकबैंक अपने चार्जेस रखता है उसमें से थोड़े, तो देन आप 50 से लेकर 100 तक रख सकते हैं, ये इजीली हो जाएंगे, इसमें इतना आपको पता नहीं चलेगा जो वो काटेगा। देन यहाँ पर चेक है, आपको डायरेक्ट डिपॉजिट करना है, और यहाँ पर पेमेंट फ्रीक्वेंसी वीकली और बाई वीकली है, तो आपको वीकली पर ही रहने देना है। देन बैंक कंट्री, आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स भरनी है, जैसे बैंक कंट्री मेरी है इंडिया, और बैंक सिटी है मेरी फगवाड़ा। देन बैंक नेम और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये मैं भरकर वीडियो आपको आगे फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस पेमेंट मेथड फिल करने के बाद आपके पास ये एक अटेंशन देगा कि आपकी पेमेंट मेथड में चेंजेस हो गए हैं, प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस जो आपने यहाँ पर फिल किया होगा कि वो चेंजेस आपने किए हैं, देन आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। जैसे मैं आपको नीचे दिखाऊँ तो अभी इन्होंने कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ, 50 ही है। देन नोटिफिकेशन में जाएंगे, ये देखिए कुछ ऐसी मेल आपको आई होगी, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एक अनदर पेज पर,
तो देखिए यहाँ पर आ चुका है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो 7 डेज में अपडेट हो जाएगी और आपका जो पेमेंट का मेथड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। देखिए अगर मैं नीचे दिखाऊं तो ये देखिए ये मेरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले सिंपली यहाँ पर देखिए सिंपली ऐसा था, पेमेंट थ्रेशोल्ड चेक पर था, तो अब मैंने चेंज कर दिया तो यहाँ पर मेरा बैंक की डिटेल्स दिखा रहा है और सभी कुछ दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप पेमेंट मेथड भी चेंज कर सकते हैं क्लिकबैंक अकाउंट का। तो आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और अमेजिंग कंटेंट लाने के लिए। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए वारियर प्लस और JVZoo पर तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं जरूर उन प्लेटफॉर्म पर भी एक वीडियो लाऊंगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।